आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। आज क्या किया तूने? जरूर कोई बदमाशी की होगी। नहीं बॉडी, क्या बात कर रही हैं आप? मैं उसके सामने कोई बदमाशी नहीं करता, ना ही कोई ऐसी हरकत। अब आप भी बताइए बॉडी, मैं खामा के उसके सामने प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करूंगा? आई लव हर, मैं उसके साथ कोई गलत हरकत कर ही नहीं सकता हूं। हाँ तो तू क्यों परेशान हो रही है? तू जानती है ना कितना प्यार करता हूं मैं तुझसे। जैसे तू मेरे बगैर नहीं जी सकती, वैसे मैं भी तेरे बगैर नहीं जी सकता। कल शाम को आ रहा हूं ऑफिस से सीधा तेरे पास। पूरी शाम एक साथ गुजारेंगे और शाम को वो मुझे काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, समझे? थक गया हूं मैं आपके एक्सक्यूजेस सुन सुन के। सर में दर्द हो गया मेरे। बहुत काम करना पड़ रहा है ना। पान खाओ। अपनी सेहत का ख्याल रखा करो रितेश, मेरे लिए नहीं, कुहू के लिए। थैंक्स अनन्या, मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने लिए थोड़ा वक्त निकालूँ। तुम्हारे लिए, अपनी कुओं के लिए समय निकालना चाहिए, लेकिन बाबा ने इतनी सारी जिम्मेदारियाँ दी हैं कि काम खत्म नहीं होता लेकिन दिन खत्म हो जाता है। और मैं ऐसा हूँ कि मैं काम भी अनुराग की तरह लापरवाही से। क्यों, उन्होंने क्या किया? क्या बताऊँ तुम्हें मैं, बिजनेस जो है वो दिमाग से किया जाता है, जज्बात से नहीं। और यही बात अनुराग को समझ में नहीं आती। दशमी के दिन एक पुराने वर्कर की मौत हो गई थी अनन्या, जिसकी वजह से अनुराग ने कंपनी को 2 दिन की छुट्टी दे दी बिना किसी को पूछे। छुट्टी के वजह से एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट टाइम पर नहीं पहुंचा सके हम, और कंपनी को तो 30 करोड़ का नुकसान हो ही गया, लेकिन बाबा की इज्जत मिट्टी में मिल गई। जब बाबा को ये बात पता चल गई तो बहुत नाराज हुए और अनुराग को बिजनेस की सारी जिम्मेदारियों से हाथ धोना पड़ा। तो सारी जिम्मेदारियां अनुराग के हाथों से निकालकर मुझे दे दी बाबा ने। और अब अनन्या, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बाबा का सर शर्म से झुके। जल्दी में कहाँ जा रही है? अनन्या दी, कोई प्रॉब्लम है क्या? माँ इतनी परेशान क्यों थी? ये हमारे घर का मामला है, तुम दूर रहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसे इतना गुस्सा जरूरी था? अच्छा, तो तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है, तो फिर इस बात को जानने तक ही सीमित रखना, इसे समझने की कोई जरूरत नहीं। मतलब? मतलब ये कि ये बिजनेस की बातें तुम नहीं समझोगी, और तुम ना समझो तो यही इस घर के लिए, हम सब के लिए अच्छा होगा। लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो नीलू,
ऑफिस के मामले में मुझे किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं। लेकिन बस रॉबी, इतना परेशान क्यों है? तानी बहुती, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो किस बारे में बात कर रहा है रॉबी? ये जो अपनी मौली है ना, मेरा मतलब है कि ये जो मौली है ना, मेरी हर बस के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। मैं कोशिश करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती है। आज क्या किया तूने? जरूर कोई बदमाशी की होगी। नहीं बॉडी, क्या बात कर रही हैं आप? मैं उसके सामने कोई बदमाशी नहीं करता, ना ही कोई ऐसी हरकत। अब आप भी बताइए बॉडी, मैं खामा के उसके सामने प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करूंगा? आई लव हर, मैं उसके साथ कोई गलत हरकत कर ही नहीं सकता हूँ। क्या कहा तूने? क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि मैं खामखा उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करूंगा। नहीं नहीं नहीं, तूने उसके बाद कुछ कहा। क्या कहा? उसके बाद मैंने कहा कि मैं उसके सामने कोई ऐसी गलत हरकत कर ही नहीं सकता हूँ। नहीं रॉबी, इन दोनों बातों के बीच में क्या कहा वो सुनना है। दोनों बातों के बीच में क्या? कुछ भी तो नहीं। रॉबी, तू मौली को प्यार करता है? आई कांट बिलीव दिस। अरे अगर तेरे मुंह से ना सुनती ना, तो मैं तो विश्वास ही नहीं करती। अब नहीं वो बॉडी, जो भी हो, ये न्यूज़ तो एकदम जबरदस्त है। दादा को बताए? नहीं बॉडी, दादा को मत बताना। अगर दादा को ये बात पता चल गई ना, तो मुझे बजा बजा के मेरा ढोलक बना देंगे। वैसे भी घर में सब लोग मुझे मंदिर की घंटी समझते हैं। जो भी आते हैं मुझे बजा के चला जाता है। आपके सामने गलती से मुझसे निकल गया, क्योंकि आपके सामने मैं फिर भी रिस्क ले सकता हूँ। जो भी हो, तेरे दादा को ये बात पता होनी चाहिए। बॉडी, क्यों मरवाना चाहते हैं आप मुझे? मैं जा रही थी दादा को बता। बॉडी प्लीज, बॉडी दादा को नहीं। क्या अपना रॉबी अपनी मौली से प्यार करता है? I can't believe this. This is like, और ये बात उसने तुझे पहले बताई? हाँ। आने दे उसे, आज बताता हूं उसे। बहुत शेर समझ रहा है अपने आप को। ओ, तो आ गए आप। आइए आइए, अंदर आइए, तशरीफ लाइए। चल अंदर आ। क्या खाएगा? लेदर बेल्ट या लोहे की बेल्ट खाएगा? जो भी आपको ठीक लगे दादा, बस दादा वो कमर पे मत मारिएगा प्लीज। वो क्या है ना कि दाग भी पड़ जाते हैं और रात को सो भी नहीं पाऊंगा दर्द के मारे। आंखें खोल। आंखें बंद होती है तो मारने में मजा नहीं आता। नहीं दादा, डर लगता है। आंखें खोल रहा है कि नहीं? Give me a hug. पागल, तू बड़ा हो गया है। Give me a... अचानक मेरी बात करते करते आप लोग क्या बात करने लगे? तेरी और मौली की सेटिंग करने की बात कर रहे हैं इडियट। थैंक यू। कितने अच्छे। अब अच्छा, मैं यहाँ से निकलता हूँ। आप लोग शांति में एक प्यारा सा छोटा सा प्लान बनाइएगा। गॉड ब्लेस यू। वो क्या कहते हैं, आप दोनों की जोड़ी बने रहे। थैंक यू दादा, थैंक यू बॉडी, थैंक यू। Thank you.
सच्चाई घर वालों को नहीं बताएंगे, ये सब होता रहेगा और तू परेशान होते रहेगा। मैं अभी जाके सबको सच्चाई बता देती हूँ। जल्द से जल्द मुझे परपोते का मुंह दिखा दे। माफ कीजिए ठाकुर, लेकिन अपनी जान को खतरे में डाल के मैं आपको परपोता नहीं दे सकती, इसलिए मैंने प्रिकॉशंस के तौर पर गोलियां लेनी कब की शुरू कर दी। आप अनन्या दी की गोलियों के साथ क्या कर रहे थे? मैंने आपको पहले भी देखा है, आप दीदी की गोलियां बदल रहे थे ना? जब आप जानते हैं कि दोबारा वहां बनने से उनकी जान को खतरा है तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे क्या अब शराब बके जा रही हो तुम तारी, बिल्कुल गलत समझ रहे हो तुम। मैं भला अपनी अनन्या के साथ ये सब क्यों करूंगा? तो फिर क्या वजह है कि आप उनकी गोलियां बदल रहे थे? इस घर ने आपको क्या नहीं दिया जीजू? अब तो बिजनेस के फैसले भी आप ले रहे हैं। एक प्यारी सी बीवी, प्यारी सी बच्ची, पापा कितना भरोसा करते हैं आप पे? क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? सब कुछ है आपके पास। हां, क्योंकि मुझे एक बेटा चाहिए था जो आगे। लेकिन क्यों? देखो तानी, तुम इस मामले में मत पड़ो प्लीज, ये मेरे और अनन्या के बीच की बात है। नहीं, ये मेरी अनन्या दीदी की जिंदगी का मामला है, मैं सबको सच बता दूंगी। इतनी बेइज्जती करवाओगी और कोई तुम्हारी बात मानने वाला नहीं है, ना बाबा ना अनन्या ना कोई और। और इस घर के दामाद पर इल्जाम लगाने की सजा ये घर वाले तुम्हें देंगे, समझे? और तानी मेरी एक बात सुनो, जब तुम्हारा खुद का घर प्रॉब्लम में है, अनुराग प्रॉब्लम है, उसको तुम्हारी जरूरत है, उसे जाकर संभालो, समझी? जब अपना घर प्रॉब्लम में होता है ना, तो दूसरों के घर में ताक झांक करना बंद कर देना चाहिए। क्या समझे? बोल। ये लड़की बात को जान चुकी है, अब इससे पहले कि ये कुछ करे मुझे कुछ करना होगा। रिश्ता।